हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्यू सॉल्यूशन में। आज हम जो मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक की वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक 2022 में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उसमें क्या नोटिफिकेशन, क्या दस्तावेज लग रहे हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हम चलते हैं हमारे PDF स्क्रीन पर। हम यहाँ पर आज बात करते हैं सहायक सचिव की। जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा निकाली गई है, जो इसका एड्रेस भोपाल में है, जो मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आता है। ये नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2022 को जारी हुआ है भोपाल के द्वारा। यह उसका रेफरेंस नंबर है। ये सभी जिला के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश को लिखा है कि ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाए। क्योंकि जो है यहाँ पर संदर्भ दिया गया है परिषद क्रमांक 5335 का दिनांक 2 जून 2012 को। बीच में रोक लगा दी गई थी, जो अब स्थिति क्लियर है और सभी ग्राम पंचायत में एक एक ग्राम रोजगार सहायक होना अनिवार्य है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं आज। आगे लिखा गया है कि कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम रोजगार सहायक होना अनिवार्य है। जो योजना है हमारी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्रमांक 5636 दिनांक 14 अगस्त 2017 से मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मत GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राशि आवंटित नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नवीन नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। जो अब स्थिति क्लियर हो गई है कि वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त होंगे। वहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार सहायक का कार्य रहेगा वो प्रधानमंत्री आवास, राज्य सरकार और भारत सरकार की संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे 15वां वित्त आयोग, सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण शक्ति निर्माण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, आयुष्मान कार्ड संबंधित कार्य, श्रम विभाग एवं कर्मकार मंडल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं निर्वाचित संबंधित कार्य थे वो प्रभावित हो रहे थे। इन सब कार्य का जो है वो लोड पहले सचिव पर था, अब उसका लोड कम करने के लिए सहायक सचिव की नियुक्ति जारी करेगी। कहाँ यह नियुक्ति होगी? ऐसी पंचायत जहां मनरेगा की कुल राशि 3.5 लाख जो 5 वर्ष में अधिक खर्चा होता है उन पंचायतों में यह नियुक्ति होगी। अब जो है नियुक्ति के लिए क्या क्या दस्तावेज लग रहे हैं और कैसे आवेदन होगा हम उसकी पूरी जानकारी देते हैं। यह जो है आयुक्त है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा लेटर जारी करने के अधिकारी हैं ये। अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। यह हमारे रोजगार सहायक आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आवेदित पद का नाम ग्राम रोजगार सहायक है। यहाँ पर वर्तमान का एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपकाना है। जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत का नाम, यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम और यहाँ पर जहाँ जो आवेदक रह रहा है मतलब जहाँ उसका रेसिडेंट है उसका पता, यहाँ पर उसका स्थाई पता डालना है। इसके बाद दूरभाष क्रमांक यानी टेलीफोन नंबर नहीं खाली छोड़ देना है आपको। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जिसके बाद जन्म स्थान जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत जो लगती है यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर शब्दों में करना है। यहाँ पर 1 जनवरी को आपकी आयु काउंट करके लिखना है यहाँ पर कि 1 जनवरी को आपकी कितनी आयु है। इसके बाद यहाँ पर जाति डालना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर जाति डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी प्रमाण पत्र के अनुसार करना है, ST में आते हैं, SC में आते हैं या OBC में आते हैं या भूतपूर्व सैनिक है या फिर हैंडीकेप है। उसके बाद यहाँ पर हैंडीकेप के लिए अगर आप दृष्टिबाधित या अस्थिबाधित, मूक बधिर जो भी हो उसका प्रमाण पत्र अटैच करना है। यहाँ पर 15 नंबर पर है क्या आप
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी है? यदि हाँ तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है आपका हायर सेकेंडरी है, उसमें यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ पर आपने कब पास किया है उसका पासिंग ईयर करना है, यहाँ पर आपने फिजिक केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक केमिस्ट्री बायो या कॉमर्स या आर्ट्स या एग्रीकल्चर जिससे भी सब्जेक्ट से किया है आप यहाँ पर विषय का नाम डालना है, यहाँ पर प्राप्तांक डालना है कितने अंक आए हैं आपको और यहाँ पर प्रतिशत दर्ज करना है। इसके बाद कंप्यूटर शिक्षा में आपका DCA PGDCA BCA या जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स है उसका कौन से विश्वविद्यालय से उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पर खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं दर्ज करना है, यहाँ पर कितने अंक आए हैं या फिर ग्रेड आए हैं वो और यहाँ पर प्रतिशत इनपुट करना है। इसके बाद BCOM लिखा हुआ है आपका, ज़रूरी नहीं कि आपका BCOM ही हो, आपका जो भी एजुकेशन है उसके यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, यहाँ पर आपने किस सब्जेक्ट से किया है उसका नाम डालना है, यहाँ पर प्राप्तांक और यहाँ पर प्रतिशत दर्ज करना है। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस, यदि आपको एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पर दर्ज करना है कि आपने किस कंपनी में दर्ज किया है, आपका डेजिग्नेशन यानी पद क्या था, वहाँ पर कितने तिथि से कब तक कार्य किया है, आपका कार्य अनुभव कितना है वह यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ऐसे दो व्यक्तियों का नाम लिखना है जो आपके रिश्तेदार ना हो, उनका नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। जैसे जो भी आपके करीबी हो उनका नाम या दोस्त है उनका नाम यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि जो आपने घोषणा करी वह सत्य है, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह कुछ या फिर कोई जालसाजी नहीं की, आपने जो भी दस्तावेज लगाए हैं वह सत्य है, इसलिए वहाँ पर दिनांक, इसके बाद यहाँ पर दिनांक डालना है, यहाँ पर आपका स्थान डालना है कि आप किस ज़िले से हैं, वहाँ का नाम डाल दीजिए और यहाँ पर नाम के साथ आपका हस्ताक्षर करना है। अब यहाँ पर संलग्न प्रपत्र है, यहाँ पर जो जो दस्तावेज हैं आपके उस पर टिक लगाना है और जो जो आपका एजुकेशन है वो यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके बाद नीचे है स्थान और दिनांक, इसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर, नाम और पता, यह इनपुट करके कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो फॉर्म है आपका, जो जनपद पंचायत आपको रिसीविंग देगा वहाँ पर फॉर्म लेकर, वहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका निवास, आप किस ग्राम पंचायत के लिए आवेदक कर रहे हैं, वहाँ दिनांक, ये इनपुट करना है और जो जो हैं दस्तावेज आप पे उसका टिक लगाना है और नीचे यहाँ पे जैसे पिछले फॉर्म में किया था स्थान का नाम डालना है, दिनांक डालना है, आवेदक के हस्ताक्षर डालना है और जहाँ पर आप किसी को दस्तावेज दे रहे हो यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता है उसके हस्ताक्षर व नाम और उसकी सील ले के अपन अपने पास रिसीविंग रख लेते हैं। यहाँ पर रोजगार सहायक के क्या कार्य है या दायित्व है उसका विवरण दिया गया है, जैसे जॉब कार्ड प्राप्ति हेतु पंजीयन करना, जॉब कार्ड प्रदाय करना, अभिलेख संधारण करना, कार्यनस्थी संधारण करना, इसके बाद कार्यस्थल व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, दैनिक मानव जीवन है उसके हाजिरी या फिर उसके दूरभाष की जानकारी रखना, इसके बाद जो 100 दिवस का कार्यकाल रजिस्टर होता है प्रति सप्ताह वह पूर्ण करना, सेल्फा प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करना, लेबर बजट व वार्षिक कार्य योजनाओं के बारे में सहायता प्रदान करना सचिव की। अगला है रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यों का चयन करना कि किस तरह से गाँव वालों को रोजगार प्रदाय किया जाए। इसके बाद कार्यों का प्राकलन एवं तकनीक स्वीकृति करवाना, इससे जो वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्य रहते हैं उसका ग्राम रोजगार सहायक 5 सामुदायिक मूलक कार्यों व 25 हितग्राही मूलक कार्यों का सदैव स्वीकृत कराकर तैयार रखने का कार्य रहता है। इसके बाद कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति करवाना, रोजगार की मांग करवाना, जैसे रोजगार की मांग प्राप्त करना व पंजीयन करना और उसके जो संबंध में रजिस्ट्रेशन पावती रहती है वह उपलब्ध कराना, रोजगार की उपलब्धता सूचना पत्र को शामिल करना, कार्यस्थल और सूचना पटल को संधारित करना, इसके बाद मास्टर रोल जॉब कार्ड को प्रदान करना, उसमें उसकी एंट्री करना, साइड आर्डर बुक उपलब्ध कराना, कार्यों का मूल्यांकन करना, भुगतान की स्थिति जानना कि किस टाइप से भुगतान हो रहा है उसको कन्फर्मेशन करना, MPR करना, जैसे शासन जो निर्धारित समय लेता है प्रति माह की 20 तारीख को उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, राशियों की मांग कराना, जो कॉलम में राशि की मांग पत्र तैयार रहते हैं उसके बारे में तैयारी उपलब्ध कराना, इसके बाद जानकारी तैयार करना, जो नरेगा रहता है उसके अंतर्गत जो जो जानकारी उपलब्ध रहती है वो
रोजगार सहायक के अंतर्गत काम आती है। इसके बाद जानकारी का प्रदर्शन करना, क्या क्या जानकारी है उसका प्रदर्शन करना, हस्ताक्षर सही, जिसके बाद ग्राम सभा का आयोजन करना, सचिव के निर्देशन के समस्त दस्तावेज को अभिलेख की तैयारी करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति बनाना, निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण और शासन द्वारा अन्य जो भी कार्य है वो समय समय पर करना। इसके बाद जो है अनुशासन एवं नियंत्रण है, ग्राम रोजगार सहायक पंचायत के उत्तरदायी होगा, संबंधित पंचायत के नियंत्रणधारी रहेगा और ग्राम रोजगार सहायक पर प्रशासनिक नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा। कलेक्टर को पर्याप्त कारण के आधार पर किसी समय रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की जा सकती है। अगर कलेक्टर को आप रोजगार सहायक से कुछ आपत्ति है तो वो उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं। कुछ जरूरी सवालों के हम जवाब आपको दे देते हैं, जैसे मिनिमम योग्यता इसमें 12वीं पास है, आयु 18 से 35 वर्ष है और जो अभ्यर्थी जो आवेदक है वह उसी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पर उसका वोटर आईडी भी वहीं का होना चाहिए। चयन प्रोसेस किस टाइप से होगी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अधिकतम अंक 100 रहेंगे, 12वीं पास होंगे उसके हिसाब से, 12वीं के अंकों के हिसाब से। अगर संस्था का एक कंप्यूटर रहेगा तो उसके 50 अंक आपको अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा अगर पद है और एक वर्ष का वित्तीय अनुभव है या फिर ICIDC से मेट प्रशिक्षण है तो 10 अंक उसके अतिरिक्त मिलेंगे। इसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI में ड्राफ्टमैन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण रहेगा तो उसके 10 अंक और अतिरिक्त मिलेंगे। इसके बाद BCOM से अगर परीक्षा उत्तीर्ण है तो 30 अंक उसके, ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी है तो 25 अंक उसके रहेंगे। कुल चयन सूची का योग 250 का रहेगा। किसी ग्राम पंचायत में अगर 3 से कम स्थायी निवासी आवेदन करने की स्थिति में 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा है उपरोक्त मापदंड के आधार पर ग्राम पंचायत अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने के पश्चात अवरोही क्रम में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चयनित सूची में सर्वाधिक अंक से अगले 2 कम तक अंक प्राप्त करने को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मतलब जो फर्स्ट है उसको चयनित किया जाएगा और जो 2 बचे हुए हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये फॉर्म भरकर आपको आपकी जनपद पंचायत में जमा करना है और वहाँ से रिसीविंग लेना है, जिसके बाद वहाँ ही से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अलग अलग पंचायत के अनुसार अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप वहीं से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।